बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पीएम मोदी ने भारत के पड़ोसी देश नेपाल का दौरा किया है। बता दें कि साल 2020 में हुए सीमा विवाद के बाद पीएम का ये पहला दौरा था। अपने दौरे के लिए पीएम कुशीनगर से नेपाल के लुम्बिनी पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद लुम्बिनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इतना ही नहीं, पीएम नेपाल में भी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का जिक्र करना नहीं भूले। पीएम ने कहा, जनकपुर में मैंने कहा था कि नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। मुझे पता है कि आज जब भारत में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो नेपाल के लोग भी उतना ही खुश हैं। इतना ही नहीं, पीएम ने धार्मिक कार्ड खेलते हुए कहा कि भारत में सारनाथ, बोधगया और कुशीनगर से लेकर नेपाल में लुम्बिनी तक ये पवित्र स्थान हमारी साझी विरासत और साझे मूल्यों का प्रतीक है। हमें इस विरासत को साथ मिलकर विकसित करना है और आगे समृद्ध भी करना है। यानी नेपाल जाकर भी पीएम ने धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। इसके अलावा पीएम ने अपने इस दौरे के दौरान नेपाल के साथ कई एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए, साथ ही कई कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। वहीं अब पीएम अपने दौरे से वापस लौट चुके हैं, जिसके बाद वो लखनऊ में सीएम योगी के आवास पहुँचे हैं, जहाँ उन्होंने यूपी के मंत्रियों संग बैठक की।